दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली जमी अंदर समाना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुर्सलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीजल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। मदीने के सुल्तान रहमत आलमियान सरवर ज़ीशान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान जन्नत निशान है, जो मुझ पर जुमुआ के दिन और रात 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। और अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देगा जो उस दुरूद पाक को मेरी कब्र में यूँ पहुँचाएगा जैसे तुम्हें तहाइफ पेश किए जाते हैं। बिला शुबा मेरा इल्म मेरे विसाल के बाद वैसा ही होगा जैसा मेरी हयात में है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप तजहीदो तकफीन के वीडियो कोर्स में शामिल हैं आज इसकी नवी कड़ी है, और इस नवी कड़ी का आगाज़ हयात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बयान और साथ ही साथ दुरूद पाक की फजीलत से हुआ। आज के सिलसिले में 3 चीज़ें आपको बताई जाएगी। मरकज़ी मजलिस शूरा की तरफ से तजहीद व तकफीन के बाज़ मदनी फूल और तजहीद व तकफीन की किताब का तारुफ़, जो हमारे शोबे की ये किताब है इसका तारुफ़ भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको कराया जाएगा। और तीसरा तजहीद व तकफीन की वेबसाइट का तारुफ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ए इंसान, एक दिन मरना है, आखिर मौत है कि 26 हरूफ की नस्बत से मजलिस तजहीद व तकफीन के 26 मदनी फूलों में से बाज़ मदनी फूल मा तरमीम आपको बयान किए जाते हैं। हर इस्लामी भाई अमीरा अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के अता करदा 72 मदनी इनामात में से मदनी इनाम नंबर 1 पर अमल करते हुए ये नियत करे कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनूदी के लिए दावत इस्लामी के शोबे मजलिस तजहीज़ व तकफ़ीन का मदनी काम मदनी मरकज़ के तरीक़ेकार के मुताबिक करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब देखिए इसमें सीखने के लिए कैसे मदनी फूल है। मजलिस तजहीज व तकफीन के तमाम इस्लामी भाई कफन दफन और ताज़ियत व नमाज़े जनाजा वगैरह के तमाम मसाइल सीखे। इसके लिए मकतबतुल मदीना की कुतुब व रसाइल का मुतालआ मुफीद है। मसलन मदनी वसीयत नामा, नमाज़े जनाजा का तरीक़ा, शैतान के बाज़ हथियार, फातिहा का तरीक़ा, कब्र वालों की 25 हिकायात, बहार शरीयत हिस्सा 4 जिल्द अव्वल से किताबुल जनाइस सफ़ा 799 ता 857 मतबूआ मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी, और फतावा रज़विज्या जिल्द 9-19 दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत से ज़रूरतन शरई रहनुमाई लेते रहिए। यानी मुताला करने का एक निसाब ये बयान किया गया इस शूरा के इस मदनी फूल में, जो लाजमी बात है हर आशिक रसूल से ताल्लुक़ रखता है, ख़ा इस्लामी भाइयों ख़ा इस्लामी बहनों जो तजहीज़ व तकफ़ीन के मसाइल सीखना चाहते हैं। ये एक निसाब है हमारे पास आ गया, और अगर किसी ने नोट किया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इस रिसाले से भी हमारी वेबसाइट से भी इन मदनी फूलों को पढ़ सकते हैं, या पूरा तहरीनी निसाब आपके पास आ गया है कि आप तजहीज़ व तकफ़ीन से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल ज़रूरिया हासिल कर सकते हैं। हर एक मसला लाजमी बातें हम किताबों से निकालने में कामयाब हुई, ज़रूरी नहीं, इसलिए दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत से राब्ता रखना भी ज़रूरी है। इस शोबे से मुतालिक ज़िम्मेदारान को चाहिए कि तजहीज़ व तकफ़ीन के हवाले से मुकम्मल तरबियत हासिल करें, मकतबतुल मदीना से जारी होने वाली DVD बनाम तजहीज़ व तकफ़ीन तरबियती इज्तिमा हासिल करें, नीस इस शोबे की वेबसाइट तजहीज़ व तकफ़ीन .dawatislami.net से इस DVD को देखा और सुना जा सकता है।
आप बहुत आसानी से जहाँ पर भी हो, जो आपने इस वक्त कोर्स देखा है, ये तो लाजमी बात एक तफसीली कोर्स है, मगर इसके साथ आप इसका खुलासा सब टाइटल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेशन के साथ हमारी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। जहाँ किसी आशिक रसूल की फौतगी हो, मजलिस के इस्लामी भाई अच्छी अच्छी नियतों के साथ अव्वल ता आखिर गुस्ल मैत ता तदफीन शिरकत की सआदत हासिल करें, नीस इसाले सवाब इज्तिमाआत का भी इनेकाद करें। गुस्ल मैत ता तदफीन तमाम मामलात मदनी वसीयत नामा मा कफन दफन के अहकाम में दिए गए तरीके कार के मुताबिक ही करने की कोशिश करें। गस्साल मैयत को गुस्ल देने वाले इस्लामी भाई के पास मकतबतुल मदीना की मतबूआ नमाज के अहकाम और रसाइल मदनी वसीयत नामा मा कफनो दफन के अहकाम हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। और तजदीद तकफीन के जो निसाब की किताब है, ये तो आप रखेंगे तो इसमें आप इसके तारुफ से समझ सकते हैं कि ये भी कितनी अहमियत के हामिल है, और इसमें इन मदनी फूलों को शामिल करने की भी कोशिश की गई है। अलबत्ता इन रसाइल का साथ होना बहुत ही मुफीद है। गुस्ल मैयत के बाद से तदफीन तक बास औकात मैयत के अजीज़ो अकारिब के पहुंचने का इंतज़ार किया जाता है। इस वक्त दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना के मतबूआ रिसाले मुर्दे के सदमे वगैरह से नेकी की दावत दें। इसके अलावा इस दौरान भी इस बात का ज़हन दिया जाए कि इस वक्त भी कुरान खानी दुरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार और दीगर तस्बीहात का विरद करते रहिए। कुरान खानी के हवाले से लाजमी बातें जो अहकाम बयान किए जाते हैं, लोगों का बुलंद आवाज़ से तीजों के अंदर पढ़ना या ऐसे मौके पर कि लोग अपने काम काज में हों, उनका लिहाज रखना ज़रूरी है। और अगर ये मदनी फूल याद रखे तो भी बहुत ही अच्छा है। जो भी कुरान शरीफ की तिलावत करे उससे आप यूँ नेकी की दावत दीजिए कि इतनी आवाज़ से तिलावत करें कि सिर्फ आपके कान सुन लें। कफन तैयार करने, मैयत को गुस्ल देने, नमाज जनाजा की अदायगी के इंतज़ार और कब्रिस्तान में तदफीन के दौरान इनफरादी कोशिश के बहुत मौके मयसर आते हैं। ऐसे मौके पर बिलखसूस मैयत के लवाहिकीन पर इनफरादी कोशिश करते हुए इन्हें दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता करने की कोशिश की जाए। नीस मुमकिन सूरत में कब्रिस्तान जाने के दौरान कब्र वालों की 25 हिकायात से मदनी फूल बयान करें। बाज़ इलाकों में तदफीन के फौरन बाद कब्र पर या अगले दिन मैयत के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी का सिलसिला होता है। ऐसे मौके पर भी मजलिस मदरसतुल मदीना की इजाज़त से करीबी मदरसतुल मदीना लिलबनीन के मदनी मुन्नों के जरिए कुरान खानी की तरकीब की जाए। देखिए, आपको ईसाले सवाब का मदनी फूल भी मिल रहा है, आपके भी रिश्तेदार वगैरह का इंतकाल हो जाए तो आप हमारे मदारसुल मदीना से राबता किया करें। लेकिन ये याद रखें, मदरसतुल मदीना से मदनी चैनल के नाज़रीन और हाज़रीन, जब आप राबता करेंगे तो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक सारे काम नहीं हो पाएंगे। लाजमी बात है, इनका मकसद तालीम कुरान को आम करना है और साथ साथ ये मदनी काम भी ये करते हैं। तो इन्होंने अपने मदनी फूल तय किए हुए ताकि आपको भी इसाले सवाब के लिए जो सूरत बनाई जा सके वो भी हो और ये इनकी भी तरकीबें पढ़ाई की डिस्टर्ब ना हो। लिहाजा इन मदनी फूलों पर आप भी रियायत कर अपने अजीज व अकारिब के इसाले सवाब के लिए भी मदरसतुल मदीना से रब्ता कर सकेंगे। जिस तरह हर मामले में हर इलाके के रस्म व रवाज उर्फ अलग अलग होते हैं, इसी तरह मैयत को गुस्ल कफन हत्ता के तदफीन के कई मामलात में भी रस्म व रवाज मुख्तलिफ होते हैं। बल्कि कोई बईद नहीं कि इल्म दीन से दूरी और जहालत के सबब गैर शरई मामलात भी होते हों। उम्मत मुस्लिमा की खैरखाई की नीयत से जहाँ गैर शरई मामलात होते देखे सुने, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से हाथों हाथ राबता कर लवाहिकीन को अच्छी अच्छी निज्जत नरमी और हिकमत अमली के साथ नेकी की दावत पेश करें। देखिए, मरकजी मजलिस शूरा के मदनी फूल में भी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से राबते की तरगीब दिलाई गई। हम लाजमी बातें अवाम हैं, हमें चाहिए कि उलमाए अहले सुन्नत से समझें। बाज़ औक़ात हम एक चीज़ को बहुत गलत समझ रहे होते हैं जबकि वो चीज़ बिल्कुल जायज़ होती है। तो किसी को टोकने से पहले हमें खुद तो मालूम हो, तो लिहाजा हमें इस अंदाज से नेकी की दावत देनी चाहिए। गैर शरई मामलात मसलन नोहा करना, सीना पीटना, सर के बाल नोचना, मुसीबत के वक्त कुफ्रिया करीमात बोलना, मर्द और औरत का इख्तिलात यानी मिक्स गैदरिंग वगैरह की मालूमात मिलने पर इनकी निशानदेही हो, शरई रहनुमाई बताते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि फितना फसाद का अंदेशा ना हो। जहाँ जन्ने गालिब हो के समझाने से मान जाएंगे वहीं तरकीब की जाए।
और मकतबत المدینہ کا مطبوعہ رسالہ 28 کا روایت کفر پیش کیا جائے۔ یہ تو مدنی چینل کے ناظرین پہلے سے ہی اس کا مطالعہ ہونا چاہیے اور میت کے موقع پر اس کی بہت ترکیب بنانی چاہیے، یہ رسالہ پڑھنے کو دینا چاہیے۔ اس موقع پر عموماً دل نرم ہو جاتا ہے، انسان نیکی کی طرف قدرے جلدی مائل ہوتا ہے۔ اس موقع پر میت کے ایصال ثواب کے لیے مسجد، مدارس و جامعات وغیرہ کی تعمیر کے لیے بھی ذہن دیا جا سکتا ہے۔ متعلقہ شعبہ جات کے ذمہ دار کی باہمی مشاورت و اجازت سے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ سویم، چہلم اور برسی کے موقع پر اجتماع ذکر و نعت کا اہتمام کریں۔ مبلغ دعوت اسلامی کے بیان کی ترکیب کی جائے اور مکتبت المدینہ کے رسائل وغیرہ کے لنگر کی بھی بھرپور ترکیب کریں۔ لنگر رسائل اور بالخصوص موقع کی مناسبت سے رسائل کی ترکیب کی جائے، مثلا قبر کی پہلی رات، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، چار سنسنی خیز خواب، بادشاہوں کی ہڈیاں، فاتحہ کا طریقہ، فیضان یاسین شریف، فیضان بسم اللہ وغیرہ۔ میت کے لواحقین سے بعد میں رابطہ رکھا جائے۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے مسلسل کم سے کم 12 ہفتہ وار اجتماع میں حاضری اور ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب کی جائے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے شیطان کے بعض ہتھیار کا صفحہ نمبر 10-12 کا مطالعہ ضرور 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 کر لیجئے۔ اس رسالے میں کیا ہے؟ اس رسالے کے اندر آپ ایک مکتوب اور اس کا جواب دیکھیں گے، اس میں تعزیت کی تعریف بھی ہے۔ مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا تعزیت مسنون یعنی سنت ہے، اور غربت کے فضائل بھی ہے اس میں۔ دین کے سبب عزت کی طلب، خود پسندی کی تباہ کاریاں، خود پسندی کی مذمت پر بزرگان دین کے فرمان، اخلاص، اخلاص کی 5 تعریفات، 30 برس کی نماز قضا کی یہ حکایت، مبلغ پر شیطان کا وار، عالم کی 2 رکعتیں جاہل کی سال بھر کی عبادت سے افضل ہے، بدگمانی بھری عبادت کی نشاندہی، بدگمانی کی تباہ کاریاں، بدگمانی حرام ہے اس کی تعریف، بلا دلیل دوسرے کے برے ہونے کا دل میں سے اعتقاد جازم یعنی یقین کرنا۔ بدگمانی سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ حسن ظن کے 7 حروف کی نسبت سے بدگمانی کے مختصر 7 علاج۔ کسی کے بدگمانی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو تو اپنے لیے دعا کیجئے، اپنا قول نبھانا چاہیے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی۔ امیر اہل سنت کا بڑا پیارا جملہ، ہر دعوت اسلامی والا میرا پیارا ہے، مدنی کام کرنے والے مجھے زیادہ عزیز ہیں، فتنہ پھیلانے والے کی وعید ہے۔ تو اتنا کچھ اس رسالے کے اندر پائیں گے، اور اس رسالے کے یہ جو 2 صفحات ہیں، یہ بالخصوص ان 2 صفحات کو ہم نے شامل کیا، وہ کیا ہیں آئیے سنتے ہیں۔ اجتماع ذکر و نعت برائے ایصال ثواب، دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ آپ کے یہاں کسی بھی اسلامی بھائی کو مرض یا مصیبت، مثلا بچہ بیمار ہونا، نوکری چھوٹنا، چوری یا ڈکیتی ہونا، اسکوٹر یا موبائل وغیرہ چھن جانا، حادثہ پیش آنا، کاروبار میں نقصان ہو جانا، عمارت گر جانا، آگ لگ جانا، کسی کی وفات ہو جانا وغیرہ، کوئی سا بھی صدمہ پہنچے، ثواب کی نیت سے اس دکھیارے کی دلجوئی کر کر ثواب عظیم کے حقدار بنیے، کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرائض کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ مسلمان کو خوش کرے۔ انتقال ہو جانے پر ہو سکے تو فوراً میت کے گھر وغیرہ پر حاضری دیجئے، ممکنہ صورت میں غسل میت، نماز جنازہ، بلکہ تدفین میں بھی حصہ لیجئے۔ مالداروں اور دنیاوی نامداروں کی دلجوئی کرنے والوں کی عموماً اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، مگر بیچارے غریبوں کا پرسان حال کون؟ بے شک اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ اہل ثروت کی تعزیت فرمائیے، مگر غریبوں کو بھی نظر انداز مت کیجئے۔
इन शख्सियात के साथ साथ बिलखसूस आपके जिस मातहत गरीब इस्लामी भाई के यहाँ मैयत हो जाए उसे रिश्तेदारों वगैरह को जमा करने की तरगीब दिलाकर उसके मकान पर ज़्यादा से ज़्यादा 92 मिनट का इजतिमाई ज़िक्र नात रखिए। अगर सब तक आवाज़ पहुँचती हो तो फिर बिला हाजत साउंड सिस्टम लगाने के मामले में खुदा से डरिए। हस्ब हैसियत लंगर रसाइल का ज़रूर जहन दीजिए मगर तआमों का एहतमाम हरगिज ना होने दीजिए। मसला तीजे का खाना अग्निया के लिए जायज़ नहीं, सिर्फ गुरबा व मसाकिन खाएँ। 3 दिन के बाद भी मैयत के खाने से अग्निया यानी जो फ़कीर ना हो उनको बचना चाहिए। जो वक्त तय हो जाए उसकी पाबंदी कीजिए। बाद नमाज इशा होगा कहने के बजाय घड़ी के मुताबिक वक्त तय कर लीजिए। मसलन रात 9 बजे का तय हुआ है तो लोगों का इंतज़ार किए बगैर ठीक वक्त पर तिलावत का आगाज़ कर दीजिए। फिर नाज शरीफ दौरानिया 25 मिनट, सुन्नतों भरा बयान इसका दौरानिया 41 मिनट और आखिर में ज़िक्रुल्लाह दौरानिया 5 मिनट और रिक्कत अंगेज़ दुआ दौरानिया 12 मिनट और सलातो सलाम 3 अशआर मा इख्तितामी दुआ दौरानिया 5 मिनट। इलाके के ज़िम्मेदार मुबल्लिगीन मुमकिना सूरत में मरकज़ी मजलिस शूरा के अराकीन और दीगर इस्लामी भाइयों की शिरकत यकीनी बनाइए और कोशिश कर ईसाले सवाब के लिए हाथों हाथ वहाँ से मदनी काफ़िले सफ़र करवाइए। यानी दावत इस्लामी के मदनी माहौल के मदनी चैनल के नाज़रीन कैसी बरकतें। दावत इस्लामी ने जहाँ तजहीज़ व तकफ़ीन सीखने, शरई अहकाम सीखने, शरई अहकाम तहरीरी सूरत में सीखने, वीडियो में सीखने, इसका एक निज़ाम दिया। फिर इस मदनी काम को जिसमें बहुत से काम फ़र्ज़ किफ़ाया हैं उसका एक तंजीमी निज़ाम, एक ढांचा, ज़िम्मेदारान का तकर्रुर, उनका जाना, उनकी तरबियत, किस मौके पर क्या करना है। अब ऐसे मौके पर इसाले सवाब करना है तो कुरान खानी करनी है तो उसमें इस चीज़ों का लिहाज रखना है। इज्तिमा ज़िक्रनात बराए इसाले सवाब करना है तो इसमें यह ख्याल रखना है। तीजा है तो उसमें खाने का इत्तेमाम नहीं करना, इसके इन शरी मसाइल को देखना है। आप फुला जगह पर गए, आपने बहुत सारे खिलाफ शरा काम देखे तो इनको आपने बदलना है और इनके लिए ये चीज़ करनी है। फुला मसले के लिए दारुल इफ्ता सुन्नत से राबता करना है तो दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल कितने प्यारे अंदाज से हमारी तरबियत कर रही है हम समझ सकते हैं। और ये मदनी पुल आपको बयान किए ताकि हमें पता चले कि मरकजी मजलिस शूरा के जो मदनी पुल होते बहुत अहमियत के हामिल हैं और इसमें भी इस्लाह के बड़े प्यारे 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 मदनी पुल होते हैं। तो पहला उनवान खत्म हुआ आज के सिलसिले का, अब हम दूसरे उनवान की तरफ आते हैं, तजहीद व तकफीन की किताब का तारुफ। हम इस किताब के अंदर आपको क्या फराम करेंगे आप सिर्फ फहरिस्त सुनिए। तजहीद व तकफीन की अहमियत व शरई हैसियत, तजहीद व तकफीन और दावत इस्लामी, मदनी मुज़ाकरा तजहीद व तकफीन तहरीरी सूरत में, तजहीद व तकफीन का तरीका, इस्लामी बहनों के लिए मदनी फूल, मुख्तलिफ एलानात मसलन नमाज जनाजा से पहले का एलान, अजान कब्र से पहले का, मस्जिद से एलान इंतकाल वगैरह, इयादत व जनाजे से पहले की निजतें जो कि शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत के रिसाले सवाब बढ़ाने के नुस्खे से माखूज़, तजहीद व तकफीन की मदनी बहारें, गुस्ल से कब्ल लवाहिकीन में रिसाला मुर्दे के सदमे से बयान, बस से कब्रिस्तान तक जो सफ़र होता है उसमें रिसाला कब्र वालों की 25 शिकायत से बयान और आदाब कब्रिस्तान, इजतिमाई इसाले सवाब के बयानात, लंगर रसाइल की तरगीब, मस्जिद व मदरसा और मदनी मरकज़ बनाने या प्लॉट खरीदने की तरगीब, मरकजी मजलिस शूरा की तरफ से ये शोबे के जो मदनी पुल बयान हुए वो मुकम्मल, इस्लामी बहनों के तंजीमी मदनी कामों के मदनी पुल कारकर्दगी फॉर्म्स, और सबसे अहम बात इसमें तजहीज़ व तकफीन का मुकम्मल तरीका इयादत से ताज़ियत तक है। यानी एक शख्स है बीमार हुआ तो उसकी इयादत कैसे करनी है, रूह निकल रही है तो अब क्या करना है, रूह निकल चुकी तो अब क्या करना है, गुस्ल मैयत कैसे देना है, कफन कैसे पहनाना है, इसके साथ इसको कंधा कैसे देना है, नमाज जनाजा कैसे पढ़ानी है, कब्र कैसे बनानी है, कब्र में कैसे उतारना है, बाद तदफीन क्या करना है, ताज़ियत कैसे करनी है और इज्तिमा इसके बाद इसके इसाले सवाब के लिए क्या करना है, ये तो इस किताब में आप ये सारी चीज़ें पा सकेंगे। साथ ही साथ
मदनी वसीयत नामे में अमीर अहले सुन्नत ने 40 जो वसीयतें फरमाई हैं ये भी आपको इसी में मिल जाएंगे कि ताज़ियत के वक्त मिसाल के तौर पे इयादत के बाद किसी की रूह कब्ज़ हो रही है तो उससे मुतालिक जो वसीयतें हैं, फिर आप नमाज़े जनाजा की तरफ आए तो उससे मुतालिक हैं, गुसल की तरफ आए तो इससे मुतालिक हैं। तो आप इस तरह ये 40 वसीयतें भी पा सकेंगे और साथ ही साथ नमाज़े जनाजा का तरीका के जो मदनी फूल बयान किए गए वो, फातिहा का तरीका में जो मदनी फूल बयान किए गए हैं वो, और भी बहुत कुछ। अभी हमारे सिलसिले का तीसरा हिस्सा बाकी है, आइए आपको तजहीद व तकफीन वेबसाइट की तरफ लेकर चलते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तजहीद व तकफीन वीडियो कोर्स जारी है और इस वक्त इसकी आखिरी कड़ी है। जितने आशिकान रसूल हैं वो तजहीद व तकफीन की घर बैठे तरबियत हासिल कर सकें और उसका जरिया तजहीद व तकफीन की वेबसाइट के साथ वाबस्ता होना है। इस वेबसाइट में क्या है आइए सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सबसे पहले तो आप हमें वेब एड्रेस बताइए और इसमें क्या है इसका तारुफ भी बयान कीजिए। इसका वेब एड्रेस है tajheedotakfeen.daawatislami.net। इस वेबसाइट पर आने वाले को क्या क्या चीज़ मिलेगी? तजहीद तकफीन की वेबसाइट पर आपको तजहीद तकफीन के हवाले से, नमाज जनाजा और दीगर मामलात के हवाले से काफ़ी डेटा जो है वो मैसर है। जैसे कि कफन का बयान, तो जब आप कफन के बयान पे जाएंगे तो इसमें मर्द का मसनून कफन, औरत का मसनून कफन, फिर कफन की मुकम्मल इसमें तफसील दी हुई जो आप आसानी से देख भी सकते हैं और अपने पास महफूज भी कर सकते हैं। इसके बाद गुस्ल मैयत का तरीका, ये भी जो है हमारे पास मौजूद है, और उसके साथ साथ मौत आने का बयान, उस वक़्त हमें क्या क्या कहना चाहिए, इसकी डिटेल भी इसके अंदर मौजूद है कि क्या दुआएं जो हैं वो पढ़नी चाहिए, क्या एहतियातें कहनी चाहिए, और इसके मुख्तलिफ मसाइल भी इसमें शामिल हैं। इसी तरीके से गुस्ल मैयत का तरीका, तो वो भी इसमें मुकम्मल तहरीर की सूरत में मौजूद है। मैयत को नहलाने वगैरह की फजीलत, गुस्ल मैयत का तरीका, इसके मुतल्लका मसाइल वगैरह इसमें टेक्स्ट की सूरत में मौजूद हैं। इसी तरीके से नमाज़ जनाजा, नमाज़ जनाजा के भी इसमें मसाइल और तफसील जो है मौजूद है। नमाज़ जनाजा का बयान है, नमाज़ जनाजा की दुआ है, पूरा तरीका इसमें मौजूद है। यानी मदनी चैनल के नाज़रीन वीडियो सिलसिला आप देख रहे हैं, तो इसमें आप चाहते हैं कि आपके पास सारी चीज़ें टेक्स्ट में हों तो किताबों के अंदर ये मसाइल मिल जाते हैं, जैसे बहार शरीयत फतावा रज़विया वगैरह में, तो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर तहरीरी सूरत के अंदर भी इस वेबसाइट पर ये मदनी फूल मिल जाएंगे। यानी आपने जो वीडियो तरबियती इज्तिमाआत या आपने वीडियो कोर्स के अंदर जो आपने शिरकत की है, आप चाहते हैं कि ये मुझे तहरीरी सारे मदनी फूल मिल जाएं, क्योंकि एक चीज़ सुन ली फौरन याद नहीं रह पाती, उसकी आप याद दहानी करना चाहते हैं, कोई दुआ आपने सुनी थी अब आप याद करना चाहते हैं, या आप उस दुआ को दोबारा देखना चाहते हैं, तो आपके लिए आसानी ये है कि आप ये वेब एड्रेस याद रखें, यहाँ पर आएंगे तो जो चीज़ आपने वीडियो में देखी उसका टेक्स्ट फॉर्मेट, उसकी तहरीरी सूरत आप पा सकेंगे। और इसकी ये तफसील है तजहीद व तकफीन, मौत आने का बयान, गुस्ल मैयत का तरीका, कफन का बयान, नमाज जनाजा का तरीका, कब्र व दफन का बयान, बाद नमाज जनाजा तदफीन, फातिहा का तरीका, तो ये मदनी फूल आपको मिल सकेंगे। अच्छा, आप टेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ लेकर जा रहे हैं, हमें तहरीर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ये जो आपके तहरीरी मदनी फूल हैं सिर्फ ये हैं या तहरीरी भी और चीज़ इस वेबसाइट पर मौजूद है? जी हाँ, इसमें तहरीरी काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, जिस तरीके से अयादत के मदनी फूल, इसी तरीके से हमारे पास ताज़ियत के मदनी फूल, यानी ज़ाहिर इस्लामी भाई जब किसी के घर ताज़ियत के लिए जाते हैं तो उस टाइम क्या क्या एहतियाती कहनी चाहिए और क्या इसका तरीक़ेकार है, ये भी हमारे पास मदनी फूलों की सूरत में मौजूद। यानी मदनी चैनल के नाज़रीन, मौत से पहले इयादत और मौत के बाद ताज़ियत है, तो आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो सिर्फ मौत और कब्रों दफन का बयान ही नहीं मिलेगा बल्कि उससे पहले क्या करना है, मौत के वक्त क्या करना है,
इंतकाल हो जाए तो क्या करना है और बाद इंतकाल क्या करना है, ये भी आप तहरीरी सूरत में हासिल कर सकेंगे। ये हमारे पास इस्लामी बहनों के हवाले से भी मौजूद है माशाल्लाह। जैसे कि आपको दिखाते हैं इस्लामी बहनों के हवाले से गुस्ल मैयत के मदनी फूल, यानी ऐसी चीज़ें जो इस्लामी बहनों से रिलेटेड होती हैं तो वो भी मदनी फूल इनको मिल जाएंगे। तो ये क्या सिर्फ आपके पास उर्दू ज़बान में ही सारी चीज़ें मौजूद हैं? जी नहीं, ये हमारे पास उर्दू ज़बान के साथ साथ रोमन और इंग्लिश में भी हैं, और इसमें हमारे पास जैसे अजाब कब्र से हिफाजत की जो दुआ है वो भी इसमें मौजूद है टेक्स्ट की सूरत में माशाल्लाह। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में हमारे पास ये डेटा मौजूद है। इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें अपने पास महफूज भी कर सकते हैं, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में हमने दिया हुआ है, ये महफूज भी किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारे पास जो दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान हैं तजहीज व तकफीन के हवाले से, उनके लिए जो मदनी मरकज़ की तरफ से मदनी फूल अता हुए हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। ए इंसान एक दिन मायना है आखिर मौत है कि 26 हरूफ की नस्बत से मजलिस तजहीज व तकफीन के 26 मदनी फूल भी आप 26 मदनी फूल मिल गए आपको माशा। इसी तरीके से ज़िम्मेदारान के जो कारकर्दगी फॉर्म्स हैं वो भी हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। ज़िम्मेदारान के लिए बहुत समझ लें ये मामिन मवाद है, एक्सेल फॉर्मेट में भी इसमें मौजूद है और पीडीएफ फॉर्मेट में भी मौजूद है। देखिए दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान के हवाले से भी मदनी फूल दे दिया गया, कारकर्दगी फॉर्म इस जगह पर भी हासिल किया जा सकता है। और जब हम तजहीज़ो तकफ़ीन की तरफ आ रहे हैं तो हमने तजहीज़ो तकफ़ीन के हवाले से एक ये मदनी फूल आपको मिल गए कि आपको सीखना है तो, और जो हमारे दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने इस पर काम करना है, इस मदनी काम को आगे लेकर जाना है, तो उनकी मदद के लिए फॉर्म्स वगैरह भी मौजूद हैं। और कारकर्दगी का दावत इस्लामी में एक निज़ाम बाकायदा एक शोबा है, और लाजमी बात है पूछगछ जो है वो किसी काम की बेहतरी और तरक्की का सबब बनती है, और इसके लिए एक बेहतरीन ज़रिया कारकर्दगी फॉर्म भी है। जी मजीद ज़िम्मेदारान हमारे तजहीज़ तकफ़ीन के मकातिब लगाते हैं इज्तमात में और दीगर तरबियती इज्तमात वगैरह में, तो वो जो बैनर है वो भी हमने वेबसाइट पर दे दिया है ताकि इस्लामी भाई इसको सेव करके इसका प्रिंट आउट करके अपने मकातिब की तरकीबें बनाएं। ये तो आपने कुछ ऐसी बातें बयान की जो दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान से रिलेटेड है, और आप क्या बयान करना चाहेंगे? जी इसी तरीके से जो नॉर्मल यूज़र हैं उनके लिए हम स्लाइड्स बैनर्स लगाते हैं, यानी वेबसाइट के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी तशहीर के लिए उनको डिज़ाइन करके हम ये बैनर लगवाते हैं। जैसे तजहीज़ो तकफ़ीन कोर्स है तो इस बैनर पर क्लिक करने से तजहीज़ो तकफ़ीन कोर्स जो है वो ओपन हो जाएगा, जैसे ये तजहीज़ो तकफ़ीन कोर्स जो है वो ओपन हो गया। इसी तरीके से मज़ीद बैनर जो हैं अंधेरी कब्र यानी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुम आलिया का सुन्नत भरा बयान है, ये इसके अंदर मौजूद है। यानी अब आप हमें टेक्स्ट फॉर्मेट से तहरीर से वीडियो की तरफ लेकर आ चुके। जी तो आपने वीडियो के अंदर ये चीज़ बयान की कि बैनर्स में से जो चीज़ आप क्लिक करेंगे वहाँ चले जाएंगे, तो अब हमें ओवरऑल बताइए कि आपके पास मीडिया लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें हैं। जी मीडिया लाइब्रेरी में हमारे पास स्पीचेस हैं यानी सुन्नत भरे बयान हैं जो कब्र आखरत की याद दिलाते हैं, तो ये हमारे पास जो बयान हैं इसके अंदर मौजूद हैं। यानी कब्र आखिरत की तैयारी लाजमी बात है तजहीज़ो तकफ़ीन इस काम को करने वाले के लिए मददगार ज़रिया है कि उसको कब्र की आखिरत की मौत की याद हो, तो इसी मौजू से ताल्लुक़ रखने वाले 11 बयान आप हमारी वेबसाइट पर देखेंगे। और ये अभी जो आपको फिगर बयान किया जा रहा है ये कोई हतमी नहीं है, और लाजमी बात है जो वेबसाइट्स होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इससे रिलेटेड जो जो चीज़ें मिलती जाती हैं और उस पर इजाफा भी हो जाता है, कुछ तब्दीलियाँ हो जाती हैं, कुछ कमी हो जाती हैं। बहरहाल ये आप सुन्नतों भरे बयानात भी हमारी वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकेंगे, सुन सकेंगे। इसी तरीके से मदनी मुजाकरे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुम आलिया के जो मदनी फूल तजहीज़ो तकफ़ीन के हवाले से हैं वो भी इस वेबसाइट में मौजूद हैं और इस पर मज़ीद काम जारी है। इसी तरीके से मदनी गुलदस्ते जिसमें दीगर मुबल्लिगीन के भी मदनी गुलदस्ते मौजूद हैं इस पर भी काम जारी है, और मदनी चैनल के तजहीज़ो तकफ़ीन यानी कब्र आखरत और मौत के हवाले से जो सिलसिले हैं वो भी इसमें डालने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से फ़र्ज उलूम कोर्स यानी तजहीज़ो तकफ़ीन के हवाले से कब्र और बरज़ख के हवाले से हमारा क्या अकीदा होना चाहिए और हमें क्या इल्म होना चाहिए वो भी इसमें
मौजूद है। माशाल्लाह, देखिए अब तक आपने इस कोर्स के अंदर कब्र और बरज़ख़ के हवाले से अकायद का बयान नहीं सुना, ज़रूरी अकायद का सीखना भी फ़र्ज़ है। तो हमारी वेबसाइट पर आकर इस मौजू से रिलेटेड जो अकायद हैं वो भी आपको सिखाए जाएंगे, ताकि इस्लामी नज़रियात की हमें मालूमात हो और हम उसी मालूमात को आगे डिलीवर करें और अपने बच्चों की, अपने घर पर भी, अपने जानने वालों की भी तरबियत का सामान करें। माशाअल्लाह, मज़ीद इसी तरीके से गुस्ल मैयत और कफन दफन के मुख्तसर मसाइल जो हैं वो उलमा अहले सुन्नत की ज़बानी भी इसमें मौजूद हैं। मज़ीद ये है कि जो कलाम होते हैं जो मौत की याद दिलाते हैं, कब्र आखरत के हवाले से होते हैं, वो भी मुनाजात वगैरह भी बाज़ औक़ात इसका सबब बनती है। तो यानी आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो एक तरफ इस वेबसाइट के ज़रिए सीखने के मदनी फूल मिलेंगे, दूसरी तरफ इस काम को करने का एक तंजीमी अंदाज भी आपको मिल सकेगा, साथ ही साथ कब्र आखिरत की तैयारी और इसकी सोच रखने और बनाने के लिए मुआविन मदनी फूल भी हासिल हो सकेंगे। मज़ीद कंटिन्यू कीजिए। इसमें इसी तरीके से बुक्स का एक हमने ऑप्शन रखा है जिसमें कब्र आखिरत के हवाले से और तजीज़ तकफ़ीन के हवाले से, नमाज जनाजा के हवाले से, फातिहा के हवाले से, क़यामत के हवाले से, वसीयत के हवाले से इसमें बुक्स रखी गई हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट बुक्स इसमें रखी गई हैं और इसमें अभी मज़ीद अपडेट इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल होती रहेगी। और इसके अंदर मदनी बहारों का भी रिसाला है, कब्र खुल गई, क्या हुआ ये भी देखिए। दावत इस्लामी वालों पर कैसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से कैसे कैसे वाकयात रूनुमा होते हैं, कैसी कैसी मदनी बहारें आ जाती हैं। तो आप ये मदनी बहारें भी हमारी इस वेबसाइट पर देख सकेंगे कि दावत इस्लामी वालों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का कैसा करम है। और ज़्यादा तफसील चाहिए तो दावत इस्लामी की वेबसाइट मदनी बहारों को भी विज़िट कर लीजिए। आगे चलिए, इसी तरीके से कुछ इमेजेस के भी हमने इसमें फोल्डर गैलरी की सूरत में रखे हैं। आप देख सकते हैं कलामुल्लाह के 8 हरूफ की नस्बत से मुतफर्रिक 8 मदनी फूल। कुरान पाक की तलावत ताज़ियत वाले घर में भी होती है, मैयत वाले घर में भी होती है, कब्रिस्तान में भी होती है। हमें तलावत करते वक्त किन किन बातों की एहतियात करनी चाहिए, वो ये मदनी फूल इसमें मौजूद है। यानी आप लाजमी बात है तीजा, 40वां, बरसी वगैरह इसकी तरकीब होती है, तो उसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ा जाता है। तो आप इस वेबसाइट पर कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने के भी मदनी फूल हासिल कर सकेंगे, कब्रिस्तान जाना है तो कब्रिस्तान जाने के मदनी फूल हासिल कर सकेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप तजहीज़ो तकफ़ीन और उसके करीब करीब के बहुत सारे मदनी फूल, ये दावा तो नहीं कि हम आपको सारी ही चीज़ें दे जाएँ, लेकिन इसकी कोशिश की गई है कि आपको एक इहाता कर कर बहुत सारी चीज़ें या अक्सर चीज़ें जो इससे ताल्लुक़ रखने वाली हैं उसको पहुंचाने की कोशिश हो। घर बैठे बैठे आप तजहीज़ो तकफ़ीन सीख सकते हैं और इससे मुतालिका मदनी फूलों का इल्म भी हासिल कर सकेंगे। मज़ीद क्या दिखाएंगे आप? जी इसी तरीके से इसमें मदनी नियतें, इसमें भी जैसे कुरान पाक की भी बात हुई तो तिलावत कुरान से पहले हमारी क्या क्या नियतें होनी चाहिए वो भी इसमें मुख्तसर लिखी गई हैं। सवाब बढ़ाने के नुस्खे से ताज़ियत की नियतें, इयादत की नियतें, बहुत सारे मदनी फूल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप यहाँ पाएंगे। मुख्तलिफ न्यूज़ लेटर्स हमने रखे हैं जिसमें मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर शेयरिंग करने के लिए इसमें हमने मदनी फूल लगाए हैं, जो यूज़र जो हैं उनको अपने पास रख कर शेयर कर सकते हैं। जैसे ये एक तस्वीर है कफन की वापसी, इसमें पूरा एक वाकया लिखा हुआ है, तो सोशल मीडिया के हवाले से काफ़ी कारामद है। इसी तरीके से मज़ीद इसमें और मौजूद हैं, माँ बाप की कब्रें अगर बीच कब्रिस्तान में हो तो क्या कहना चाहिए। इसी तरीके से कब्र के पास बैठ कर तिलावत कहने के बारे में इसमें मदनी फूल सवाल जवाब आ गया। जी जी जी। इसी तरीके से मजार पर चादर चढ़ाने के हवाले से गुंबद बनाना, कब्रों को मिटा हुआ है तो वहाँ रास्ता बनाना, पुरानी कब्र में हड्डियाँ नजर आई तो क्या होगा। फतावा रज़ाबिज़ा के मदनी फूल भी आ गए आपके पास, आपके पास बहार शरीयत के मदनी फूल आ गए, अहादीस भी आ गई, बल्कि वाकयात भी आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिलचस्प वाकयात इस वेबसाइट पर हासिल हो सकेंगे। और फिर ये पूरे यूँ समझिए कि सोशल मीडिया के ज़रिए आपको इस तरह प्रिंटेड ये वाकयात वगैरह दिए, गोया
आपको नेकी की दावत आम करने का मौका दिया जा रहा है। आप इसके ज़रिए नेकी की दावत दीजिए। नॉर्मली हमारे यहाँ मोबाइल यूज़र तो होते ही हैं, और मोबाइल यूज़र ऐसे चीज़ें भी अपने साथ रखते हैं कि एक दूसरे से शेयर करें, तो आपके शेयरिंग के लिए भी सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए तैयार की हुई हैं। आप इसको शेयर करें, इसके ज़रिए नेकी की दावत हासिल करें, इसको पढ़ें भी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा। अल्लाह ताला आपको हमें इल्म दीन की बरकतों से मालामाल फरमाए। जी मजीद। जी इसी तरीके से हमने खूबसूरत तस्वीरों की सूरत में नमाज जनाजा की दुआ, जो बहुत अहमियत की हामिल है, वो खूबसूरत एक पेज में रखी है, ताकि इसको हर कोई जो है आसानी से पढ़ सके, शेयर भी हो सकेगी, और इसके अलावा बाकी और भी किसी मौके पर ये काम आ सकता है। बालिग मर्द व औरत के जनाजे की दुआ, इसी तरीके से नाबालिग की दुआ भी इसमें मौजूद है। इसी तरह से अजाब कब्र से हिफाजत की दुआ भी इसमें मौजूद है। आप ये अपने अजीज व अकारिब को भी भेज सकते हैं, क़यामत तक के लिए अजाब से हिफाजत, माशाल्लाह, ये भी इसमें मौजूद है। मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में वॉलपेपर्स लगाने का रुझान होता है हर एक में, तो उसके लिए हमने मौत की याद दिलाने वाले वॉलपेपर्स इसमें रखे हैं आपके लिए, ताकि आप लोग अपने कंप्यूटर्स की स्क्रीन पर भी मौत को याद कर सकें, कब्र की मौत की याद रहे, और इस काम को करने की भी हमें गोया तरगीब मिलती रहे। मज़ीद आपके पास वॉलपेपर्स भी हैं, मदनी फूल भी दिखाए आपने, मीडिया में भी दिखाए, बयानात दिखाए, मदनी मुज़ाकरों का दिखाया आपने, और हमारा ये तजीद तकफीन के कुछ कोर्स वगैरह का भी कुछ दिखाएंगे आप या नहीं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल वेबसाइट पर तजीद तकफीन का कोर्स भी मौजूद है। माशाल्लाह, यानी यही कोर्स जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये वेबसाइट पर देख सकेंगे, या आपने 9 हिस्सों के अंदर जो कोर्स देखा होगा ये आप हमारी वेबसाइट में इस अंदाज से देख सकेंगे, ईपी वाइज आपको यहाँ मिल जाएगा। तजीद तकफीन के तरबियती इज्तमात भी होते रहते हैं, तो हमने इसमें तरबियती इज्तमा भी रखा है, जिसको देखा भी जा सकता है और अपने पास महफूज भी किया जा सकता है, ताकि इसको बार बार देखकर हमें हमारी तरबियत होती रहे। और ये भी याद रहे कि तजहीद व तकफीन का ये तरबियती इज्तिमा आप सब टाइटल देख सकेंगे, और ये उन आशिकान रसूल के लिए जिनको उर्दू सही तौर पर समझ में नहीं आती तो वो ये देख सकेंगे। यानी आप हमारा सिलसिला इस वक्त उर्दू में जारी है, तो वो इस्लामी भाई जो ख़ुद उर्दू जानते हैं और ऐसे उनके वाकिफकार हैं जो उर्दू नहीं जानते, तब भी आप तजहीद तकफीन के लिए हमारी वेबसाइट पर लेकर आएँ, आपको कई मदनी फूल इंग्लिश में भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आप हमारा ये पूरा तजहीद तकफीन का तरबियती इज्तिमा इंग्लिश सब टाइटलिंग के साथ देख सकें। कई इस्लामी भाई चाहते हैं कि हम दावत इस्लामी को अपनी खिदमत पेश करें। हाँ, 9 EP के बाद तो करनी भी चाहिए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसका भी तरीक़ेकार वेबसाइट पे मौजूद है। वेबसाइट पर जब आप सबसे नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है कि उम्मत मुस्तफ़ा की खैरख्वाही के जज्बे के पेश नज़र दावत इस्लामी की मजलिस तजहीद तकफीन के लिए अपनी खिदमात पेश करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, ये अपनी कैफियत वगैरह जो भी हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, और लाजमी बात है जो हमारा दावत इस्लामी का तरीक़ेकार है इनके ज़िम्मेदारान से मुशावरत और सारी चीज़ें, उसके बाद अगर कोई सूरत ऐसी बन सकी हम आपकी खिदमत ले सकें वो हो सकेगा। यहाँ मैं एक और बात अब मनी चैनल के नाज़रीन को तवज्जो दिला दूँ कि हमारा जो तयशुदा तरीक़ेकार है उसके मुताबिक तजहीद व तकफीन हमारी मजलिस के तहत जो भी इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें करती हैं उनका बाकायदा टेस्ट होता है, यानी इन्हें तजहीद व तकफीन का तरीक़ा आता है या नहीं आता, हमारी एक मजलिस बनी हुई है उसका एक अंदाज़ बना हुआ है, वो टेस्ट लेते हैं। यानी आपने यहाँ पर आए, आपने 9 EPs देखी, बहुत अच्छी बात है, आपने कुछ पढ़ा बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिज़ल्ट क्या है, क्या आप ये सारी चीज़ें सही सीख चुके, तो उसके लिए टेस्ट तय है, वो टेस्ट होता है। इसी तरह जो इस्लामी भाई कुरान मजीद फुरकान हमीद ईसा अलैहि सलाम वगैरह के लिए ख़त्म शरीफ पढ़ते हैं उनका भी हमारे यहाँ बाकायदा टेस्ट है, और इसी तरह जो नमाज़ पढ़ाते हैं उनका बाकायदा इमामत टेस्ट है, नमाज जनाजा पढ़ाने वाले हमारे इस्लामी भाइयों का। तो ये जो टेस्ट देते हैं और उसके बाद हमारी तंजीमी तरकीब के मुताबिक उनका नाम ओके होता है तो हम उनको इस खिदमत में लेते हैं, ये हमारा तयशुदा तरीक़ेकार है। तो इसी तरह आपके यहाँ पर हमारे पास कैफियत आएंगी और कैफियत के मुताबिक तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक जो सिलसिला होगा और टेस्ट होगा
फिर आप हमारी मजलिस का हिस्सा बन सकेंगे। इतने सारे सिलसिले दिखाएं, थोड़ा सा आपको लेने में हम लवाजमात भी होंगे जो आपको बर्दाश्त भी करने चाहिए। और ये लाजमी बात है, ये टेस्ट का सिलसिला इस वजह से भी है कि हम इतने अहम मदनी काम में गलतियाँ ना करें। ये शरई मसाइल से भरपूर मदनी काम है और अगलात यानी गलतियों से खाली होना चाहिए। जी जी, अपनी पूरी तफसील जो है सबमिट करके जब क्लिक का बटन दबाएंगे तो वो मुतल्लिका जिम्मेदार तक वो तफसील आ जाएगी। बाकी है कि दावत इस्लामी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट्स भी इस वेबसाइट में मौजूद हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ दावत इस्लामी की जो शोबाजात की वेबसाइट हैं वहाँ भी जा सकते हैं। बात मदनी चैनल के नाज़रीन, ये तारुफ हमने आपको कराया और इसी तारुफ पर हम अपने इस वीडियो कोर्स का इख्तिताम कर रहे हैं, लेकिन हमने आपको एक रास्ता दे दिया है कि अब आपके हाथ में, आप हमारे साथ किस तरह कैसे वाबस्ता हो सकते हैं इसके बारे में आप गौर कीजिए। अलबत्ता आखिरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगा, तजहीज़ो तकफ़ीन आप मजलिस के तहत करें या ना करें, आपने सीखने की कुछ कोशिश की, असल सीखना तो उस वक्त होगा जब आप बाकायदा प्रैक्टिकल ये करेंगे और इसके माहिर इस्लामी भाइयों के साथ भी आपका कुछ गुस्ल मैयत का सिलसिला होगा। मगर ये याद रखें कि जो भी शरई मसाइल हों वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से समझ लिए जाएँ। जब भी आपको कोई मसला पैदा हो, आपके आप गुस्ल मैयत करते हैं और आपको कोई चीज़ बात समझनी हो, तो बराए करम आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से राबता करें और जैसी रहनुमाई दी जाए उसके मुताबिक आप तरकीब फरमाएं। हमारे कोर्स का इख्तिताम दो बातों पर हुआ, एक वेबसाइट हमारी जिसके साथ आप इससे वाबस्ता रह सकते हैं, दूसरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। मदनी चैनल देखते रहिए, मदनी मुज़ाकरों को मामूल बनाइए, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर खाली जमी अंदर समाना है।